हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भाग ब के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 15 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 16 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, ये पशुपालन से संबंधित प्रश्नों का ये मॉडल पेपर है। दोस्तों, परीक्षा में 40 से 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इस मॉडल पेपर में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछले 15 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और दोस्तों उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में आपका टारगेट होना चाहिए 40 में से 40 प्रश्न सही करने का और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए पशुपालन से संबंधित प्रश्न है वो अपने 600 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं इन 15 मॉडल पेपरों के अंदर। आज अपना 16 नंबर का है तो 640 हो जाएंगे, ठीक है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना क्या कहलाता है? यानी कि दोस्तों, अंडे में से जब चूजे निकलते हैं उनको निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं ब्रूडिंग, बोलते हैं दोस्तों ब्रूडिंग। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्रूडिंग। सेकेंड नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर देखिए पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, यह भी बिल्कुल सही है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए तीन नंबर का प्रश्न है, दुग्ध वसा का निर्दिष्ट भार या विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? दुग्ध वसा का निर्दिष्ट भार या गुरुत्व विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो औसत विशिष्ट गुरुत्व है वो होता है दोस्तों 1.032, ठीक है 1.032। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको दोस्तों यहां पर कोई भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है 1.028 से 1.032 तक, ठीक है। ये ऑप्शन इनमें से ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 1.028 से लेकर 1.032 तक। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वीडियो को कितने तापक्रम पर संग्रहित करते हैं? बताइए दोस्तों कितने तापक्रम पर संग्रहित करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 5 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित करते हैं। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहां पे पांच नंबर का प्रश्न है, लंबी पूछ लटकता हुआ गलकंबल एवं छोटे व मोटे सींग किस गाय की विशेषता है? तो दोस्तों बताइए वो कौन सी गाय है जिसकी लंबी पूछ होती है, लटकता हुआ गलकंबल होता है, छोटे और मोटे सींग होते हैं? तो दोस्तों यहां पर बात हो रही है राठी गाय की। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राठी नस्ल की जो गाय है वो दोस्तों उसका जो रंग है वो हल्का सफेद होता है और हल्का लाल रंग होता है और इसमें काले या दोस्तों लाल धब्बे भी बने हुए होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सिक्स नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए गठीला शरीर छोटे व मोटे सींग चौकन्ने खड़े हुए कान किस नस्ल की विशेषता है? गठीला शरीर छोटे व मोटे सींग चौकन्ने खड़े हुए कान किस नस्ल की विशेषता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों मालवी नस्ल की विशेषता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मालवी विशेषता है दोस्तों ये मालवी नस्ल की, ठीक है गाय की। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे सात नंबर का प्रश्न है, अयन से प्राप्त दूध के किस भाग में जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? अयन से प्राप्त यानी कि थन से प्राप्त दूध के किस भाग में जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए अयन से प्राप्त जो प्रथम दो चार धारों में सबसे अधिक जीवाणु रहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको अग्रिम दूध बोलते हैं दोस्तों, अग्रिम दूध। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अग्रिम दूध। नेक्स्ट 8 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, गर्भाशय में जीवाणुओं के संक्रमण नष्ट करने हेतु आंतरिक जननांगों की धुलाई करना क्या कहलाता है? बताइए, गर्भाशय में जीवाणुओं के संक्रमण नष्ट करने हेतु आंतरिक जननांगों की धुलाई करना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों गर्भाशय डुस। क्या बोलते हैं? गर्भाशय डुस बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन, सही उत्तर। 9 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, वे पोल्ट्री पक्षी जो विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि वे पोल्ट्री पक्षी जो विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बॉयलर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बॉयलर। और एक होता है कि वे पोल्ट्री पक्षी जो विशेष रूप से अंडे के लिए पाले जाते हैं तो उन्हें कहते हैं लेयर्स। क्या बोलते हैं? लेयर्स बोलते हैं दोस्तों। ये आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है, परीक्षा में इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कुक्कुट में पाए जाने वाला विषाणु जनित रोग है, कुक्कुट में पाए जाने वाला विषाणु जनित रोग है तो वो कौन सा है? दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत। ठीक है, रानीखेत इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। रानीखेत मुर्गियों में पाए जाने वाला एक मुख्य संक्रामक रोग है और ये विषाणु जनित बीमारी है, और इस रोग में पक्षियों के श्वसन तंत्र एवं तंत्रिकाएं हैं वो प्रभावित होती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग दोस्तों अधिकतर डेयरी में ज्यादा किया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इससे क्या है कि दूध में पानी की मात्रा का है मात्रा का पता लग जाता है इसके अंदर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त तो शुक्राणुओं को किसमें संग्रहित किया जाता है? पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त तो शुक्राणुओं को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, तो ये संग्रहित किया जाता है दोस्तों तरल नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, तरल नाइट्रोजन में। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सींग रहित बकरी की नस्ल है, बताइए सींग रहित बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बकरी की नस्ल है टोटनबर्ग। कौन सी है? टोटनबर्ग। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और इस बकरी का जो शरीर का रंग है वो हल्का भूरा होता है, ये भी आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ओडिशा में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघ का प्राकृतिक आवास है? ओडिशा में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघ का प्राकृतिक आवास है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों सफेद बाघ का प्राकृतिक आवास है ओडिशा में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे उत्पाद दे रखा है और सूची सेकंड में प्रोटीन दे रखा है। अपने को बताना है कि कौन से उत्पाद में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में दोस्तों एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो पाया जाता है। मांस के अंदर दोस्तों मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, और ऊन के अंदर दोस्तों क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है, देखिए 3421, 3421 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3421 सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पश्मीना का संबंध है, बताइए पश्मीना का संबंध है वो किससे है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अंगोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगोरा से प्राप्त होने वाले बालों को दोस्तों पश्मीना कहते हैं, और ये क्या है अंगोरा? तो दोस्तों ये बकरी की नस्ल है ये अंगोरा। ठीक है, और एक नस्ल और है जिसका नाम है दोस्तों छेगू। ठीक है, छेगू
नस्ल से प्राप्त बालों को दोस्तों मोहेयर कहते हैं, मोहेयर कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर के ऑप्शन में दे रखा है ना वो, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। पश्मीना का संबंध किससे है? अंगोरा से है। और दोस्तों इससे क्या होता है, ये मैंने अभी आपको बताया अंगोरा से प्राप्त होने वाले बालों को पश्मीना कहते हैं, और इससे अच्छी किस्म के शॉल, स्वेटर और ऊनी वस्त्र है वो बनाए जाते हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, एक तरफ पशु है दूसरी तरफ है नाड़ी गति प्रति मिनट है। दोस्तों भैंस की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है 40 से 45, तो बिल्कुल सही है। भेड़ की नाड़ी गति यहाँ पर 40 से 50 दे रखी है, गलत हो जाएगा दोस्तों, 70 से 80 होती है भेड़ की नाड़ी गति। ऊंट की नाड़ी गति होती है 28 से 32, ये भी बिल्कुल सही है। सुअर की है 60 से 80, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सर्रा बीमारी का कारण है, तो दोस्तों ये सर्रा क्या है? तो ये पशुओं में होने वाली बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों पशु को तेज बुखार रुक रुक कर आता है, जिसमें पशु क्या है कि चक्कर काटता है और उत्तेजित हो जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है प्रोटोजोआ द्वारा ये रोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, लंपी रोग से संबंधित सत्य कथन है। दोस्तों देखिए यहाँ पे LSDV, ये देखिए मवेशियों के पावर पॉक्स लंपी स्किन डिसीज वायरस के संक्रमण के कारण होता है, ठीक है, यानी कि LSD मवेशियों के पॉक्स वायरस, लंपी स्किन डिसीज वायरस के संक्रमण से होता है, बिल्कुल सही बात है। यह रोग मुख्य रूप से पशुओं के बीच मच्छरों और मक्खियों जैसे कीड़ों के काटने से फैलता है, बिल्कुल सही है। यह रोग में पशुओं की त्वचा में गांठे या गांठदार चकते बन जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये वायरस है, ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए आफरा रोग संबंधित है, आफरा क्यों होता है? आफरा दोस्तों आफरा आना यानी कि दूषित भोजन या ज्यादा गीला भोजन खा लेता है पशु, तो दोस्तों पशु के शरीर के अंदर अपशिष्ट गैसें हैं वो इकट्ठी हो जाती है, तो ये आफरा आ जाता है। तो यहाँ पे रूमेन में गैस इकट्ठी होने से दोस्तों ये आफरा रोग होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। जुगाली करने वाले पशु को अगर अधिक गीला चारा खा लेते हैं तो भी दोस्तों ये हो जाती है, पेट में दूषित गैसें बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, ऐसी गैसें हैं वो इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, और उससे क्या होता है कि पेट तन जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 21 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए पशु प्लेग रोग में प्रभावित अंग है, पशु प्लेग रोग में प्रभावित अंग है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों पशु प्लेग ये वायरस जनित संक्रामक रोग है, वायरस जनित संक्रामक रोग है, और इससे प्रभावित अंग दोस्तों आहार नाल है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आहार नाल। 22 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है, मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है तो वो कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए बोरिलियोटा एबियम, बोरिलियोटा एबियम ये मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस रोग में पशुओं में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है? बताइए किस रोग में पशुओं में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों दुग्ध ज्वर में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, दुग्ध ज्वर, ठीक है। और ये एक है चयापचय रोग है जो गाय भैंसों के ब्याने के कुछ समय पहले या ब्याने के कुछ समय बाद ये होता है, ठीक है, और इसमें पशु के शरीर में कैल्शियम की भारी कमी हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 24 नंबर प्रश्न है, पशुओं के छालों एवं घावों पर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? दोस्तों पशुओं के छालों एवं घावों पर कपूर का दोस्तों एक जीवाणु रोधक पाउडर होता है, उसको लगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए कपूर, फिटकरी और बोरिकम्ल, ये सभी लगाए जाते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा
ये पाउडर के अंदर कपूर होता है, फिटकरी होती है, जिंक ऑक्साइड होती है, कार्बोलिक अम्ल होता है, ठीक है, बोरिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्म है, पिंजरा प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित पिंजरे की किस्म है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पिंजरे की चार किस्म होती है, ठीक है, जिसमें फ्लैट डेक, टेयर स्टेप, डबल डेक और ट्रिपल डेक। तो यहां पर इसमें देखिए टेयर स्टेप, ट्रिपल डेक, फ्लैट डेक, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है, दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए दूध का जो तापमान है, ठीक है, वो ज्ञात किया जाता है दोस्तों फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर में। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर एक विशेष प्रकार का बना हुआ थर्मामीटर है जो कि दूध का तापक्रम ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी हिरण का प्राकृतिक आवास है, कश्मीरी हिरण का प्राकृतिक आवास है वो है दोस्तों दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये कश्मीरी हिरण का प्राकृतिक आवास है। कहां पर है ये दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जम्मू कश्मीर में, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुग्ध पाश्चुरीकरण की निम्न ताप दीर्घकाल विधि में दूध को गर्म किया जाता है, तो दोस्तों दूध को गर्म किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 145 डिग्री फारेनहाइट पर 20 मिनट तक दोस्तों गर्म करने के बाद है वो ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 मिनट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, 145 डिग्री फारेनहाइट पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, रावी किस पशु की नस्ल है, दोस्तों रावी नदी भी है, ठीक है, और ये एक भैंस की नस्ल है दोस्तों रावी, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भैंस की नस्ल है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, मशीन द्वारा दुग्ध दोहन विधि का दोष क्या है, तो दोस्तों मशीन द्वारा दुग्ध दोहन विधि का दोष क्या है, तो दोस्तों इसका दोष है कि यदि समय पर मशीन बंद नहीं हुई तो खून भी निकल आएगा, ये है दोस्तों मशीन का दोष, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अत्यधिक लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है, भारत में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अत्यधिक लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बताइए, तो वो है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, कहां पर है, तो दोस्तों ये जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में फैला हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, दूध का निर्जमीकरण का किया जाता है, बताइए दूध का निर्जमीकरण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वसा को कम करने के लिए किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वसा को कम करने के लिए। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, मुर्गी फार्म पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण है, तो दोस्तों मुर्गी फार्म पर उपयोग किए जाने वाले उपकरण है, यहाँ पर देखिए ब्रूडर, ब्रूडर क्या होता है, ये दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जो छोटे चूजों को इसके द्वारा गर्मी प्रदान की जाती है, और देखिए यहाँ पे एक होता है ब्रूडर गार्ड, ठीक है, और एक दोस्तों यहाँ पर देखिए फीड होपर भी होता है, ठीक है, और लेइंग नेस्ट भी होता है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये सभी उपकरण होते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से गलत सुमेलित है, दोस्तों गलत सुमेलित कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ब्राउन स्विस दोस्तों ये कहाँ की कौन सी नस्ल की है ये दोस्तों ब्राउन स्विस गाय, तो ये स्विट्जरलैंड की है दोस्तों, ठीक है, जर्सी तो दोस्तों ये स्कॉटलैंड है वो यहाँ पर गलत दे रखा है, जर्सी है ये दोस्तों किसकी गाय है, तो जर्सी द्वीप
मूल स्थान की गाय है, ठीक है, यानी कि उत्पत्ति स्थान दोस्तों आयर सायर। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, गलत सुमेलित, तो ब्राउन स्विच हो जाएगा दोस्तों इसमें स्विट्जरलैंड, और आयर सायर हो जाएगा दोस्तों स्कॉटलैंड, बिल्कुल सही है, ठीक है, आयर सायर का स्कॉटलैंड है, बिल्कुल सही है। होलिस्टीन दोस्तों, होलिस्टीन यहां पर देखिए, होलिस्टीन फिजियन ये डेनमार्क दे रखा है इसमें, ये गलत हो जाएगा। रेनडेन जो नस्ल की जो गाय है, ठीक है, उसका मूल स्थान माना जाता है डेनमार्क, ठीक है, और ये होलिस्टीन फ्रीजियन है इसका जो मूल स्थान है वो हॉलैंड माना जाता है, यहाँ पे डेनमार्क इसमें गलत दे रखा है। और शॉर्ट हॉर्न ये इंग्लैंड की नस्ल है दोस्तों, यानी कि उत्पत्ति स्थान इसका इंग्लैंड है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जब दो प्रजातियों को अंतर्वर्ती क्रम में संकरण किया जाता है तो वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो कहलाता है क्रिस क्रॉसिंग कहलाता है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से किस प्रकार की दांत को कपोल दांत के नाम से जाना जाता है, कपोल दांत के नाम से दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अग्र चर्वण दांत, ये कपोल दांत के नाम से जाना जाता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बारबरी व टोगेन वर्ग प्रजाति है, बारबरी व टोगेन वर्ग प्रजाति है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें बताइए, तो देखिए बारबरी और टोगेन वर्ग है, ये बकरी की नस्ल है, राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भैंस की कौन सी नस्ल अधिकतम वसा वाला दूध देती है, तो अधिकतम वसा वाला दूध है वो बदावरी भैंस देती है दोस्तों, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इसमें 12 से 14% तक वसा होती है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है, बताइए शरीर के पाचन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर मुंह है वो पाचन तंत्र का भाग नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी देखिए ग्रासनी है, गुदा है, मुंह है, लेकिन प्लीहा नहीं है, ठीक है दोस्तों। शरीर के पाचन तंत्र के जो मुख्य अंग है वो है मुख, मुख गुहा, ग्रासनी, आमाशय, आंत्र, ठीक है, और ये जो प्लीहा है ये क्या है, तो ये नलिका विहीन ग्रंथि है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये पाचन तंत्र का भाग नहीं है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है, तो रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार विटामिन के उत्तरदायी है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, याद रखना विटामिन के। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो मॉडल पेपर नंबर 16 है वो कंप्लीट करवा दिया है, प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें, और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।